मैं वादा करती हूँ नाना जी कि आपके बिखरे परिवार को एक करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं वादा करती हूँ कि सब लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए छिपा हुआ प्यार है उसे खोजकर बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। बस एक वादा नहीं कर सकती। क्या बेटा? नाना जी आप मेरे बड़े हैं, आपकी हर बात सर आंखों पर, लेकिन मुझे और आदित्य को एक करने का जो सपना आप देख रहे हैं, हम दोनों की जो शादी कराना चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। नाना जी शादी तो सबकी मर्जी से होती है ना, आदित्य की, पूरे परिवार की, और शायद लतिका से बेहतर जीवन साथी उन्हें मिल भी नहीं सकता। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ नाना जी कि मेरे और आदित्य की शादी का सपना मत संजोइए, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। बेटा प्यार का तो दर्द भी मीठा और प्यारा होता है। कभी कभी कुछ दिल के रिश्ते बिना चाहे अनजाने में ही जुड़ जाते हैं। आदि के लिए तेरे मन में जो जज्बात है तू चाहे उसे दिखाए ना दिखाए, ये बूढ़ी आंखें उसे पढ़ सकती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन इस दीवान मेंशन में भी प्यार के गुल खिलेंगे। कोई कितना भी रोकना क्यों ना चाहे, प्यार अपनी मंजिल पाकर ही रहेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा डैड ने अपनी डायरी उस पंखुड़ी को पढ़ने दी थी। आपको ज्यादा बुरा किस बात का लग रहा है मॉम? नाना ने डायरी आपको पढ़ने नहीं दी इसका, या पंखुड़ी को पढ़ने दी इसका? जितनी कोशिश उस लड़की को हम सब की लाइफ से दूर रखने की कर रही हूं उतनी ही वो लड़की हम सब की लाइफ में इन्वॉल्व होती जा रही है। मॉम मुझे समझ नहीं आ रहा है, पंखुड़ी यहां रह रही है इस बात को लेकर आपको ज्यादा ही अपसेट नहीं हो रही है? तो गॉड से एक आदि मैं यहां तुम्हारे लिए कंसर्न्ड हूं, और तुम वो लड़की जब से तुम्हारी लाइफ में आई है तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पहले की तरह सही नहीं रहा। सरकास्टिक स्माइल मेरे लिए था, और क्या इसके पहले मेरी लाइफ में सब कुछ सही रहा है मां? यहां मुझे तुम्हारी लाइफ की चिंता हो रही है और तुम मुझे ही टॉन्ट कर रहे। उस फैमिली ने तिलक के नाम पर तुम्हारे साथ धोखा किया उसे भूल जाओ, मामा ने तुम्हारे बारे में जो अफवाहें फैलाई उसे भी भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखना आती, अगर वो लड़की यहां पर रही तो तुम्हारी लाइफ में और भी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, मुझे उससे कोई हैरानी नहीं होगी। मामा बार बार ही क्यों भूल जाती है कि उस तिलक को इलाज की अफवाह में पंखुड़ी का कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि दोनों बार उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। ओके, ओके। इस बात को ना आप और आगे नहीं बढ़ाते। नाना ने पंखुड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसके यहाँ रहने पे हम कोई नया इशू नहीं बनाते। अच्छा ठीक है, आप ही बताइए क्या ऐसा करें जिससे आपको तसल्ली हो। अगर मैं ही पंखुड़ी से बात ना करूं तो आपको उसके यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? राइट। फाइन मॉम, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं पंखुड़ी से कोई बातचीत नहीं करूंगा, उसे दूर रहूंगा। अगर ऐसा करने से आपकी तकलीफ कम होती है तो ऐसा ही होगा। हैप्पी, अब आप पुरानी बातों को जाने दीजिए प्लीज, और पंखुड़ी को आराम से यहां रहने दीजिए। पॉसिबल?
ये क्या कर रही हो अंबिका? गहने अलग क्यों रख रही हो? भैया को लौटाने के लिए। ये सब उन्हीं ने तो दिए हुए हैं ना। भला उपहार कभी लौटाए जाते हैं? अपने भैया के इतने प्यार से दिए हुए गहने अगर तुम लौटाओगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन भाई बहन का रिश्ता तो प्रेम और विश्वास की अटूट भावना का होता है ना। जब ये भावना ही नहीं रही तो उनकी इन प्रतीकों को अपने पास रखने का क्या अर्थ है? पर तुम अगर ये सब उन्हें वापस लौटाओगी तो ये उन्हें तमाचा मारने जैसा होगा। और उन्होंने जो मेरे और मेरे ससुराल वालों के साथ किया वो अपमान किसी तमाचे से कम था क्या? हेलो। हाँ हरीश बेटा, गुड न्यूज फॉर यू। मैंने पंखुड़ी को मना लिया है कि जब तक उसकी इंटर्नशिप पूरी नहीं हो जाती वो तब तक हमारे ही घर में रहेगी। क्या बात कर रहे हैं पापा, अब आप देखिएगा मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि पंखुड़ी और अभी एक अभी तक नाराज हूं अपने बेटे से। मैं कौन होता हूं नाराज होने वाला पापा? अरे बेटा आदि बच्चा है, ना समझी में कह दिया होगा उसने उस दिन वो सब। नहीं पापा, हमारा आदि अब बहुत बड़ा हो गया है। एनीवे पापा, मेरा शॉट है, मुझे जाना होगा। ओके बाय बाय। पंखुड़ी बेटे, सुबह सुबह क्या ढूंढ रही हो, क्या खो गया है? नहीं वो मैं बस मंदिर ढूंढ रही थी। कहाँ है मंदिर? मंदिर जी नहीं है कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मंदिर है इस घर में मगर बहुत दिनों से उसमें पूजा नहीं हुई ना। जब बड़ी मालकिन थी तो हर रोज इस घर में आरती होती थी, पूजा अर्चना होती थी। किसी बुजुर्ग ने सही कहा है ना, बिन गृहिणी घर भूत का डेरा। वैसे बेटा मैं सुबह शाम मंदिर में जाता हूँ, उसकी साफ सफाई करता हूँ, लेकिन उसमें पूजा नहीं होती। ये यहाँ पे मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर कोई जरूरी बात करनी थी तो फोन पे भी तो कर सकती थी। आपको पता है कितना जरूरी काम छोड़ के आ रहा हूँ? डीएम साहब ने फोन कर करके पागल कर दिया। अब कहाँ है, कहाँ बुलाइए उसे। सबर कीजिए भाई साहब, वो आ रही होगी। लेकिन आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे अंदर चल के बैठिए, हम इतने भी पराए नहीं हुए हैं अभी तक। चलिए अंदर आइए, चलिए चलिए। अब आ ही गया हूं तो कम से कम ये भी बता दीजिए कि मेरे पैसे कब लौटा रहे हैं। डेडलाइन से पहले दे दीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हम उससे पहले आपका उधार ब्याज समेत चुका देंगे। फिलहाल मैं आपको ये सब कुछ लौटाना चाहती हूँ। क्या है ये? आप ही के दिए हुए गहने हैं और वो पायल आपने पंखुड़ी को दी थी उसके जन्मदिन पे। आपको याद है दो दिन तक पंखुड़ी ने पहनकर पूरे घर में उछल कूद कर रही थी, कितनी खुश थी वो। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। इतना गया बीता समझ लिया मुझे कि ये जो उपहार मैंने तुझे और अपनी भांजी को दिया है वो मैं वापस लूंगा। सच बताइए भैया, आपको पता था ना कि हम इतने कम समय में आपके पैसे नहीं लौटा पाएंगे? आपको लगा कि हम आपके सामने झुक जाएंगे और गिड़गिड़ाएंगे। अगर आज मैंने आपके तोहफे रखे तो मेरे परिवार के आत्मसम्मान को और ठेस पहुंचेगी। बोला ना ले।
गलती हो गई। इंसान हूं यार, तो तुझे पता है मेरा गुस्सा किस तरह का है। पूरा कुल्लू जानता है जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर डीएम साहब भी मेरे सामने चुप हो जाते हैं। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था। बहुत गुस्सा आया था लेकिन उन दीवान परिवार के ऊपर। लेकिन उनका गुस्सा तुम लोग के ऊपर निकल गया और तुम लोग भी तो उन्हीं की तरफदारी कर रहे थे ना। मेरी तरफ से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। चुप कर अब। और भाई साहब वो ऐसे ऐसे की बात भी भूल गई है। बाद में कभी देखेंगे। हाँ अरे संदीप जी नमस्ते। नमस्ते 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 संदीप जी नमस्ते। कैसे हैं हमारे नमन बाबू और नेहा बिटिया? सब ठीक हैं। आप सबको बहुत याद करते हैं। आरती की आवाज हमारे घर से? पैर शैंकी फॉर अ चेंज भजन सुनने के मूड में, इसलिए सुबह सुबह भक्ति चैनल खोल के बैठे। जय राम श्री राम। तुम यहां क्या कर रहे हो बरखुरदार? और वो भी इतने सुबह सुबह। मैं बस जा रहा था। कुछ समझ में भी आ रहा है कि वो क्या कह रही है? लेकिन सुनने में अच्छा लग रहा है। पंखुड़ी की आवाज स्वीट है ना। मैं बस वो आया था। तो शैंकी की तो लगता है परमानेंट छुट्टी करनी पड़ेगी। सुबह सुबह इतनी जोर से रेडियो पे गाना लगा के सबकी नींद खराब कर रहा है। अरे वाह, ये पंखुरी तो मेरे से भी चंट निकली। आते ही डेली सोप की हीरोइन की तरह भजन सुनाने शुरू कर दिए। इसे क्या लगता है इतने पुराने हथखंडे से दीवान फैमिली को इंप्रेस कर लेगी? और ये आदि क्या बुद्ध की तरह खड़ा है यहाँ? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ना शीला। सब्र कर जरा। अभी अवंती का जो बाकी है बस अभी जाकर उसे ये सब बता देती हूँ। फिर तो पक्का डेली सोप की तरह ये पंखुरी रोते हुए भगवान के भजन गाएगी। अच्छा यहाँ बैठी है। ये क्या, तुम जॉगिंग के लिए नहीं गई? तुम्हारी भी नींद खराब हो गई ना। मैं तो सुबह सुबह का इतना अच्छा सपना देख रही थी कि
पंखुरी के भजन की वजह से सारी नींद खराब हो गई। पंखुरी गाना गा रही है? मंदिर में आरती चल रही। आई थिंक मॉम के जाने के बाद आज पहली बार इस घर में आरती हो रही। हाँ वो तो है, मगर ऐसे किसी बाहर वाले का सुबह सुबह हम सबकी नींद खराब करना ठीक है क्या? खैर मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती। पंखुरी अगर इस तरह रोज भजन गाने लगी तो प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है जो लेट उठते हैं। वो लड़की यहाँ क्या करती है क्या नहीं करती इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो मेरे बेटे से दूर रहे और आदि उसके मामलों से, उसके बाद वो चाहे कुछ भी करे। Excuse me. आय हाय रे मेरी ननन रानी, इतना घमंड भी अच्छा नहीं। तुम क्या आदि को पंखुरी से दूर रखोगे? वो तो पहले ही उसके सुरों में गले गले तक डूबा हुआ है। मगर तुम ये सब मेरे कहने से थोड़ी न मानोगे, जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तभी मानोगे। मैं जा रही हूँ, इतने सुबह सुबह वैसे भी कौन उठता है। मासी जी एक मिनट, क्या हुआ? प्रसाद लेकर जाइए। थैंक यू। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई तुम्हारी जॉगिंग? अरे आदि भी है, मतलब सब है यहाँ। कितना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह आरती। आंटी जी प्रसाद। पंखुड़ी वो दीका जो आधा बचा हुआ लड्डू है ना वो मुझे दे दो, मुझे बचपन से आदत है दी की पुरानी चीजों को यूज करने की। दो दो आदत है मुझे तो। प्रसाद
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।